महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से जो प्रत्याशी हैं अभी तक महाराजगंज में कोई संतोषजनक कार्य नहीं किए हैं, और नया प्रत्याशी कांग्रेस के आए हैं उनसे अभी तत्काल उम्मीद कुछ जनता को नहीं है। इसलिए हम सोच करके काम की नामांकन किए हैं कि जनता का हम पर भरोसा है, जनता हमको जिताएगी और क्षेत्र में अच्छा कार्य करके दिखाए। मुद्दा सर क्या होगा सर आपका? मुद्दा है कॉलिजियम सिस्टम का ख़त्म कीजिए, तमाम गरीब लोगों को आरक्षण दीजिए, क्षेत्र में जहाँ सिंचाई की व्यवस्था नहीं वहाँ सिंचाई कराइए, शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाइए ताकि निजी और सरकारी स्कूल के बच्चे बराबर ढंग से पढ़ाई कर सकें। सरकारी अस्पताल पर लोगों का भरोसा उठ गया है, इसलिए सरकारी अस्पताल में जो डॉक्टर पेमेंट लेते हैं, सैलरी लेते हैं, वहाँ सारे लोग जा कर के निःशुल्क अपना इलाज करा सकें। सर वर्तमान सांसद 10 साल से सिगड़ीवाली सांसद है महाराजगंज के, क्या उनके कार्य से एक भी कार्य से आप संतुष्ट नहीं हैं? जनता का भरोसा उनसे उठा हुआ है, 10 साल में बहुत सारा कार्य होना चाहिए। हम गांव गवई में घूम करके हमने देखा है, खुद उनके गांव के अगल बगल कल हमने भ्रमण किया, क्षेत्र भ्रमण किया, सारे लोगों का एक शिकायत था कि चलने के लिए सही ढंग से रोड नहीं है, लोग में काफ़ी उदासीनता है, लोग काफ़ी विरोध में हैं। महाराजगंज से दो दो बड़े कदावर नेता खड़े हुए हैं, इनसे आप कैसे टक्कर ले पाइएगा? हम लोग किसान के, हम किसान के बेटे हैं और तमाम किसान मजदूर दलित अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग हैं उन सब का भरोसा हम पर है, हम उस सब के साथ हैं, इसलिए हमको उम्मीद है कि जनता हमको वोट देगी और जिताएगी। हमारी लड़ाई बीजेपी सांसद से है। अच्छा, इसके पहले भी आपने कभी चुनाव लड़ा? नहीं, पहले चुनाव नहीं लड़ा। हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय बता दीजिए। हमारा नाम डॉक्टर सत्येंद्र प्रसाद, ग्राम पोस्ट सोहिलपट्टी, थाना बसंतपुर, जिला सिवान। आप इससे पहले राजद में थे, कौन ऐसी परिस्थिति आ गया कि आप निर्दलीय चुनाव लड़े? हम राजद के सदस्य नहीं थे, हम स्वतंत्र अभी तक हैं, आज स्वतंत्र नामांकन करा रहे हैं, समय आएगा तो किसी पार्टी में हम जाएंगे। सर चुनाव जीत कर किस पार्टी में मिलेंगे आप? अभी इसका कोई अति नहीं, हम लोग एनडीए में ही, एनडीए गठबंधन के विरोध में ही रहेंगे। एनडीए एनडीए गठबंधन के विरोध में ही हम लोग रहेंगे। हम लोग हैं, समीकरण हमारा अल्पसंख्यक है, हरिजन है, ओबीसी समाज के लोग, दलित माने वही समाज के लोग है ना, एस सी एस टी के लोग ही हमारा वोटर हैं, उन्हीं लोगों पर भरोसा है, उन्हीं लोगों के बल पर हम जीत के जाएंगे, उन्हीं लोगों के बीच में जाकर काम करेंगे। हम कुछ कार्य जैसा करते हैं जिससे उस समाज के लोग का भरोसा हम पर है, जैसे बाबा अंबेडकर साहब का जो पुण्यतिथि है, जन्म जो कार्यक्रम है उस समय हम भाग लेते हैं, तमाम दलित बस्तियों में जाकर के लोगों को जगाने का काम करते हैं, लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सब हम जगाने का काम करते हैं। महाराजगंज के वोटरों से क्या अपील करेंगे सर आपकी? हम अपील करेंगे कि स्वतंत्र रूप से हम चुनाव में आए हुए हैं, हम सबसे योग्य और अनुभवी व्यक्ति हैं, हमको लोग मदद करें और हमको लोग जिताए। बहुत बहुत धन्यवाद।